नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान संघ ने जहां एक ओर मध्य प्रदेश के अंदर महाकौशल प्रांत के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे, तो वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी भारतीय किसान संघ ने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर एक साथ तीन तीन ज्ञापनों को सौंपा। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के नाम सौंपे गए ज्ञापनों में भारतीय किसान संघ ने विभिन्न प्रकार की मांगों को रखा है। इस अवसर पर जहां एक ओर बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के सदस्य उपस्थित रहे, उन्होंने जय बलराम के नारों से क्षेत्र को गुंजायमान करते हुए अपनी मांगों को रखा। आइए हम आपको दिखलाते हैं एलएनबी टीवी के माध्यम से यह विस्तृत रिपोर्ट। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय बलराम जैसे नारों से गुंजायमान होता रहा मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने की गलियां। भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जहां जंगी प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट के सामने वह गेट पर धरने पर बैठ गए, नारे लगाते रहे, अपनी मांगों को मांगते रहे। मध्य प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर उन्होंने पत्र भी सौंपे। आइए क्या कहते हैं प्रांतीय अधिकारी एलएनबी टीवी के माध्यम से, हम आपको सुनवाते हैं। पूरा प्रदेश में हमारे और जो प्रदेश है महाकौशल प्रांत का, मैं 50 जिले तो सारे जिलों में आज 16 सितंबर है, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम। ठीक है, अब ये ज्ञापन का माध्यम से आप लोगों ने अपनी बात रखी और आपने एक समय दिया, और समय सीमा में अगर आपकी बात को, भारतीय किसान संघ की बात को अगर प्रशासन, जिला प्रशासन हो या शासन हो, नहीं मानता है तो अगली योजना क्या है आपकी? ये हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है शासन के लिए, अगर शासन इसमें सचेत नहीं होती है या कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पुनः है जो है आंदोलन छेड़े। क्या इस प्रकार की योजना भी है कि जिस प्रकार एक कई वर्षों पूर्व प्रदेश की राजधानी को भी जाम कर दिया गया था, उस प्रकार की योजना भी है? ये भी हो सकता है, किसान कुछ भी कर सकता है, किसान बहुत परेशान है। यानी ये माना जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है, बिल्कुल आपके हिसाब से? नो डाउट। अब तय हो गया है कि 15 सितंबर को अपन को ज्ञापन देना है जिला स्तर, तो 15 तारीख को छुट्टी थी इसलिए 16 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश में जिला स्तर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कलेक्टर महोदय के माध्यम से जितनी समस्याएं प्रदेश की हैं वो मुख्यमंत्री के नाम से दी गई हैं ज्ञापन में, और जो केंद्र की समस्याएं हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दी गई हैं, और जिले की समस्या माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत करा दिया है कि हमारी जो फसल नष्ट हुई है उसको तत्काल सर्वे करवा कर और उसकी मुआवजा राशि दिलवाई जाए। इसी क्रम में हमारा एक ज्ञापन था। हमारे 7 तहसीलों के यहाँ कार्यकर्ता तो कुछ किसान आए हैं, अभी टोटल सूचना नहीं हुई, एक डेमो है। अगर मान लो प्रशासन के इसी प्रकार से हम लोगों से जो वादा किया था, अगर ये वादा नहीं निभा रहे हैं तो 15 दिवस के अंदर भारतीय किसान संघ पूरे जिले में गांव बंद करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भगवान बलराम की चना खरीदी के पैसे हैं, उड़द के पैसे हैं, इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया हुआ है, और जो भी अतिवृष्टि से फसलों की हानि हुई है उसके संदर्भ में भी उनका कहना कि सर्वे कराया जाए, तो जो हमारे स्तर पर बात है सर्वे कराने की, उसके आदेश तो प्रसारित कर दिए जाएंगे और हमारे तहसीलदार और पटवारी फील्ड पर जाकर कर लेंगे उसका, जो शासन स्तर पे जो भी इनकी मांगे भेज देंगे और वहां से जो भी निराकरण होगा उसकी। भारतीय किसान संघ ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपे। तो इन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।